पूर्ण परीक्षा वाली क्लास प्रारंभ हो चुकी है। सभी साथी जैसे जैसे जुड़े फ्रेंड वीडियो को एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुपों में। क्लास को हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। आप सभी लोग जैसे जैसे क्लास में जुड़िएगा सभी का मैं क्लास में स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। जैसे जैसे जुड़े फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यह क्लास आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी की बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा कि ऋजु का विलोम है। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऋजु का विलोम है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जरा सा। चलिए आप सभी लोग फ्रेंड जैसे जैसे जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड कि ऋजु का विलोम है। जी हाँ, ऋजु का विलोम है। तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ए सीधा, बी सरल, सी त्रिकोण और द्वि वक्र। तो ऋजु का विलोम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी के जवाब 100% सही होने चाहिए। मेरे जितने भी साथी इस समय लाइव देख रहे हैं, आप सभी के जवाब फ्रेंड 100% सही होने चाहिए। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, ऋजु का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए एक बार मैं भी शेयर कर दूँ। आप सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई। जैसे जैसे जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यह सामान्य हिंदी की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है और यह क्लास आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए, पूछा जा रहा है कि ऋजु का विलोम क्या है। तो बिल्कुल सिंपल भाई, ऋजु का विलोम वक्र होता है। जी हाँ, ऋजु का विलोम वक्र होता है। अगर आप बात करें फ्रेंड तो ऋजु माने होता है एक सीधी लाइन को, हम कहते हैं ऋजु कोण, और जो तीढ़ी मीढ़ी लाइन होती है इसे वक्र कहते हैं। तो इसका विलोम होगा विकल्प नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऋजु का विलोम वक्र होता है, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि सुषुप्ति का विलोम क्या है। सुषुप्ति का विलोम क्या है? क्या निषेध है, क्या सुमति है, क्या समिष्टि है, क्या जागृति है? आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड। सुषुप्ति का विलोम क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। सुषुप्ति का विलोम क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने आंसर कमेंट करके बताइए। सुषुप्ति का विलोम क्या है? फटाफट बताएंगे। निषेध नहीं होगा, सुमति नहीं होगा, समिष्टि नहीं होगा, इसका भी होगा जागृति। सुषुप्ति का मतलब होता है सोने वाली अवस्था, सुप्ता अवस्था, और जागृति का मतलब जागने वाली अवस्था। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल सही जवाब होंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से अपनी संख्या बढ़ाइए फ्रेंड। बहुत अच्छा, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब है। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे। फटाफट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग है, घोटक है, घोड़ा भी है भी है। तो देखिए, तुरंग है। जी हाँ, तरंग नहीं, तुरंग है। अश्व का जो पर्यायवाची है फ्रेंड, वह तुरंग है। यहाँ पर तरंग दिया है इसलिए विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अश्व का जो पर्यायवाची होता है तुरंग होता है, तरंग नहीं। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है। घोटक भी है, घोड़ा भी है, बजी भी है, तुरंग भी है। इसका मतलब जो पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड, वह तरंग। यहाँ पर तरंग दिया था इसलिए पर्यायवाची नहीं है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है मौत, प्राणांत, छुटकारा, आश्वास, अवसान। जी हाँ, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में सेक्शन में जाइए, आंसर कमेंट करके जाइएगा। मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब होता है फ्रेंड छुटकारा पाना। आदमी कहता है ना, मोक्ष की प्राप्ति करना मतलब क्या है कि सांसारिक सुखों से, सांसारिक जो बाधा है, जो विपताएं हैं, सभी से क्या छुटकारा पाना। जी हाँ, बिल्कुल इसका विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मौत नहीं है, छुटकारा इसका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी साथी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए विकल्प नंबर सी कमेंट कर रहे हैं, उन सभी के जवाब सही हैं कि मोक्ष का जो विलोम होता है फ्रेंड, वो होता है छुटकारा पाना। आगे तरंगे, अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है अंधे को रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप सभी लोग, हम आई होप इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, अंधे को दीपक दिखाने इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी साथी सी, कुछ लोग बी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग बी 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 बी। जी हाँ, डी भी आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जल्दी से बताइए भाई क्या आपका इसका सही जवाब। जी हाँ,
अरे भैया, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है ना समझ को, मतलब जो व्यक्ति किसी भी बात को लेकर अनजान है, ना समझ है, उसको उपदेश ही इसका बिल्कुल सही मुहावरे का अर्थ है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर भैया। बी वाले सभी साथियों के जवाब सही है। इसी प्रकार से ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा, यदि जरा सा जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न हो जाएगा गलत और हो जाएगा आपका नंबर कम। तो ध्यान से दीजिएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर यदि सही करेंगे तो ये मोटिवेशन, ये पुनर्बलन आपको परीक्षा के लिए भी कारगर साबित होगा। इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपना आंसर कमेंट करिए और वीडियो के अंत में अपने अपने स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है, क्योंकि यह तैयारी आपको परीक्षा के लिए और भी मजबूत बनाएगी। आगे चलेंगे फ्रेंड, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। जी हाँ फ्रेंड, मुहावरा है, कह सकते लोकोक्तियाँ है, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रसन्नता स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखाना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर आने प्रारंभ हो चुके भैया। अपने मुँह मियाँ मिट्टू होने का मतलब होता है भैया अपनी प्रसन्नता स्वयं करना। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत अच्छा धावक हूँ, मैं बहुत अच्छा रीडर हूँ, इस प्रकार की बातें यदि दूसरे के सामने करते हैं तो यह होता है अपने मुँह मियाँ मिट्टू होना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं से करना। इसलिए प्रशंसा मत करिए, कार्य करके दिखाइए। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सेवन के लिए भी साथी आंसर करना, कमेंट करना प्रारंभ कर दिए भैया, तो देख लेते हैं। उत धन ज्वल की संधि से बना शब्द है, उत धन ज्वल की संधि से बना शब्द है, उज्ज्वल 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 या उज्ज्वल। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, एक तो उज्ज्वल शब्द आपको सही मिलेगा, सही प्रोनंसिएशन वाला उज्ज्वल शब्द मिलेगा, उसके बाद आपको संधि विच्छेद भी मिल जाएगा। जी हाँ बताइए, उज्ज्वल में कौन संधि है? सबसे पहले उज्ज्वल में जो संधि प्रयुक्त है फ्रेंड, वह आपकी व्यंजन संधि हुई है। अब कौन सा सही शब्द है आंसर कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, उज्ज्वल कौन सा सही लिखा है, उज्ज्वल का तस्तन कौन सा है? बहुत बढ़िया आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, उ दोनों जो आपका छोटा होता है जय, यही इसकी खास बात है। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उज्ज्वल का जो सही जवाब फ्रेंड वह है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उज्ज्वल यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर एक तस्तम भी आपका तैयार होता है। आगे चलेंगे, निधन चेष्ट में संधि विच्छेद है, निधन चेष्ट की संधि विच्छेद होगी, निश्चेष्टा निश्चेष्टा निश्चेष्टे या निःचेष्टो, बताइए फ्रेंड निश्चेष्टा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बिल्कुल सिंपल सा यह भी क्वेश्चन है, फटाक से कमेंट सेक्शन में जाइए आंसर कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? निश्चेष्ट में संधि क्या प्रयुक्त होगी, निश्चेष्ट में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलिए बी 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 ए भी आंसर आ गया है भैया। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनका भी प्रणाम है, उनको भी क्लास में उन सभी का भी स्वागत है, उन सभी को भी मेरी तरफ से नमस्कार है। क्लास में टाइम से जुड़िए और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करके एक लाइक जरूर मार दीजिएगा। जी हाँ बहुत बढ़िया आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं भैया, बिल्कुल बी वाले साथियों के जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है कि निश्चित धन चेष्ट में जो संधि होगी फ्रेंड वह है निश्चेष्ट। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। बी वाले साथियों का जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, समय सिंधु चंचल भारी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, समय सिंधु चंचल भारी पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्या उपमा है, क्या रूपक है, क्या उत्प्रेक्षा है, क्या श्लेष है, जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कमेंट करिएगा, फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। कुछ साथी आंसर नंबर डी आ गया, डी भी आ गया है, बी भी आंसर आ गया है, कुछ लोग बी और डी कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। कह रहे हैं कि समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी उपयुक्त पंक्ति में आपका जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड वह है रूपक अलंकार, बी द राइट आंसर। समय को सागर का रूप दे दिया गया है, यहाँ देखिए योजक चिन्ह होना चाहिए था, आसान हो जाता आपको समझने के लिए कि योजक चिन्हों का प्रयोग रूपक अलंकार में होता है। यहाँ पर देखिए समय को जो है सागर का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। आगे बढ़ गए भैया, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, इस काव्य पंक्ति में सही अलंकार बताइए भैया। कह रहे हैं जेते तुम तारे तेते नभने न तारे,
इस काव्य पंक्ति में सही अलंकार का चयन हमको करना है, उपमा है, रूपक है, यमक है या श्लेष है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताना है भैया। जेते तुम तारे, ते नभ में न तारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? चलिए डी 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 सी भी आंसर आ रहा है। फटाफट फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथी, एक बार जितने भी लोग लाइव हैं इस समय सभी लोग एक बार पुनः वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ बताइए, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। लगभग बी भी आंसर आ गया है, डी भी आंसर आ गया है, सी, लगभग लगभग सारे कमेंट आ गए हैं। इसके लिए एक एग्जैक्ट कमेंट नहीं आया है जो इसका सही जवाब, फ्रेंड इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, यमक अलंकार यहाँ पर है, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। संस्कृत के वे शब्द, जी हाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं देशज, आगत, तद्भव, तत्सम। इस क्वेश्चन के लिए मेरे सभी साथियों के जवाब तो 100% सही हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि वह संस्कृत का शब्द जो हिंदी में मूल रूप से प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भैया कहने का मतलब शुद्ध, कहने का मतलब शुद्ध होता है तो उसे तत्सम कहा जाता है ना भाई। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, कि संस्कृत के जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जी हाँ, और इन्हें हिंदी के अनुसार यदि कुछ भी संशोधन किया जाता है तो उसे तद्भव कह दिया जाता है। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल डी द राइट आंसर। टफ क्वेश्चन भी लाया जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथियों तक। सूरज का तत्सम क्या है? जी हाँ फ्रेंड, सूरज का तत्सम क्या है? सूरज का तत्सम यहाँ पर क्या है फ्रेंड, फटाफट बताइएगा। सूरज शब्द का तत्सम क्या है? सूर्य है, सूर्या है, सूर्य है या सूरज है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप मेरे किसी भी साथी का जवाब बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन अभी तक आपने कहीं नहीं किया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर, सूरज का विलोम फ्रेंड सूर्य है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है भैया, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर भी तो गलतियाँ कर रहे हैं काफ़ी लोग, फिर भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि और टफलाइए भैया, पहले इसको तो करिए, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कहीं और से बाहर से बन के पेपर नहीं आता है, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी का यही क्राइटेरिया है, हिंदी का यही क्राइटेरिया चलता है फ्रेंड, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप पेपर दे के आइएगा तब बताइएगा किस प्रकार से आपको प्रश्न कराए जा रहे थे, कितना लाभ आपको पेपर में मिला है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर, जिसे यह जान पड़ता है कि क्या करूं क्या न करूं का अर्थ होगा। जिसे यह न जान पड़ता है कि क्या करूं क्या न करूं का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य विमूढ, कर्तव्यहीन, किंग कर्तव्य विमूढ़ या लाचार। मतलब जिसे यह पता न हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब क्या न करूँ क्या न करूँ इसकी बात की जिसकी पुष्टि नहीं हो पाती है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द की क्या होता है जवाब? बहुत बढ़िया, चलिए सी 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 सी, जी हाँ सी और बी, डी भी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री के, लेकिन सी वाले साथियों का परसेंटेज ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है फ्रेंड, वह व्यक्ति, वह बालक जिसे यह जान पड़ता है कि क्या करूं क्या ना करूं इसका पता उसको अज्ञान रहता है, संज्ञान रहता है, विकल्प नंबर सी, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? पपीहा, शहद, कामदेव या राजहंस, कौन सा फ्रेंड सारंग का अर्थ नहीं है? जी हाँ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अपना आंसर कमेंट करिएगा। तो सारंग का अर्थ नहीं है, जी हाँ सारंग का अर्थ नहीं है, मतलब तीन है एक नहीं है, पपीहा है सारंग का अर्थ, कामदेव है सारंग का अर्थ, राजहंस है सारंग का अर्थ, जो नहीं है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी सारंग का अर्थ नहीं है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है, और बढ़िया आगे चलेंगे। अशुद्ध वर्तनी, जी हाँ अशुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है, साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, मतलब यहाँ पर कौन सा गलत लिखा है, कौन गलत लिखा है इसी का चयन आपको करना है, यहाँ पर साधु है, शून्य है, सांसारिक है, हस्तक्षेप है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जल्दी से कौन यहाँ पर गलत लिखा है आंसर कमेंट करके बताना है, कौन यहाँ पर गलत लिखा है। अशुद्ध शब्द का, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोग लगभग लगभग सही लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों के जवाब सही। भैया हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है,
साधु भी सही है, शून्य भी सही है, सांसारिक भी सही है। जो गलत है फ्रेंड वह हस्ताक्षेप अस्तुर्तनी वाला शब्द वही हो जाएगा। आगे चलेंगे भैया 16 तरफ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखना है। कच्छ का अनेकार्थक शब्द आपको लिखना है। कमरा, अनंतपुर, खाना खान या बैठक। तो बताइए भैया कच्छ का आवश्यक मतलब कह रहे हैं आजकल घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होना चाहिए, इस शब्द के लिए अनार्थक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन है फ्रेंड। आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब भैया बिल्कुल सही जवाब होने चाहिए कि कच्छ के लिए। चलिए ए ए ए ए, अरे भाई कह रहे हैं कि आजकल घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा भैया, ए इज द राइट आंसर भैया। सुसज्जित कक्ष का मतलब एक कमरा होना चाहिए, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से, क्षेत्र विशेष से, राज्य विशेष से या लोक विशेष से? तो आंचलिक रचनाएं फ्रेंड किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? जैसे एक आंचलिक रचना है मैला आचार, एक आंचलिक रचना है मैला आचार जिसको फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है, तो ये क्षेत्र विशेष रचनाएं होती हैं। क्षेत्र विशेष रचनाओं को आंचलिक रचना कहते हैं, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे दीप सा मन जल चुका। दीप सा मन जल चुका में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका यह आपका फ्रेंड उपमा अलंकार है। से सा समान सरित, से सा समान तरित, ये सारे वाचक शब्द उपमा अलंकार के हैं। तो यहाँ पर देखिए सा वाचक शब्द आया है, यह उपमा अलंकार की पहचान है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो वाचक शब्द है वह है सा। आगे बात करेंगे निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल था यह भी क्वेश्चन है। निगुण में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ प्रयुक्त हुआ है नी, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निगुण, गुड़ का मतलब, गुड़ आपका मूल शब्द है, उसमें नी आपका उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अपने आंसर कमेंट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है। ध्यान दीजिएगा पूछा जा रहा है कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, यथात प्रतिमास, प्रति दिन, अव्यय। तो देखिए भैया यथार्थ यह अव्ययी भाव समास है, प्रतिमास यह भी अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन यह भी अव्ययी भाव समास है, आय भय में योजक चिन्ह लगा है, यह द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास नहीं है। इसको यदि तोड़ेंगे तो और सबका लोप हो जाएगा, आय और व्यय, इसलिए यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, आय व्यय आपका द्वंद्व समास है। आगे बढ़िए फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे ना ही पराग नहीं मधुर, ना ही पराग नहीं मधुर मधि। जी हाँ, एक दोहा है आपके सामने, इसमें छंद पूछा जा रहा है आपसे। नहीं पराग नहीं मधुर मधि, नहीं विकास यही काल, अधि कली की सौ बंध्यो आगे कौन हवा। जी हाँ, पुनः देखिए इसको, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में आपको सही छंद का पहचान करना, क्या दोहा है, सोठा है, बैरवे है या छप्पे है। जल्दी बताइए फ्रेंड उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास तेई काल, अली कली सौ बध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में फ्रेंड जो छंद प्रयुक्त हुआ है वह है दोहा, विकल्प नंबर ए वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे पढ़िए भाई, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। भैया बिल्कुल सिंपल है कि दोहे का जो उल्टा छंद होता है उसे सोठा कहते हैं। बदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सनत अनुरागा अमीय मुर्मे चूरन चारु समन सकल भय रुचि परिवारु। यह जो दोहा है फ्रेंड यह है सोठे छंद का है, जो दोहे का उल्टा छंद होता है, विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि बात करें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए, क्योंकि 24 का जो आंसर है विकल्प नंबर 3 मिल चुका है। आप सभी के जवाब भी सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो लोग 24 के लिए जो लोग सी आंसर कमेंट करें उन सभी के भी जवाब सही हैं। आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 25 पर। समूहार्थक शब्द का चयन करना है आपको। जहाज होगा, बेड़ा होगा, केवट होगा या नाव होगा, बताएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे
कि समूहार्थक शब्द यहाँ पर कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो समूह का बोध करा रहा है। क्या जहाज शब्द है, जहाज भैया एक है। बेड़ा यहाँ पर भैया, बेड़ा जो शब्द है यहाँ पर, बेड़ा का मतलब होता है जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा मतलब जहाजों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं जहाजों का बेड़ा। तो बेड़ा शब्द यहाँ पर समूहार्थक शब्द है। केवट जो जो नाव को खेता है उसे केवट कहते हैं, नाव ये भी एक सिंगुलर है। तो जो समूहात्मक शब्द है फ्रेंड वो है विकल्प नंबर बी। बहुत बढ़िया, बी वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं, बी इज द राइट आंसर। अगला, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना। जी हाँ, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है। हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना खाना चाहिए, चिड़ियों को बाहर मारे जाने का डर है। तो बता, परिणामवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, परिमाणवाचक। जी हाँ, परिणामवाचक। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा भैया, कि परिणाम का मतलब होता है, परिमाण का मतलब होता है फ्रेंड, चलिए परिमाण का मतलब होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। सी जो लिख रहे हैं कम खाना, उनका सही जवाब है भैया, कि परिमाण का मतलब होता है जिसका एक मेजरमेंट, जहाँ पर एक मेजरमेंट को शो किया गया हो। खाने का मतलब यहाँ पर एक मेजरमेंट को दिखाया गया है, कम खाना, कम ज़्यादा, ये अधिक का न्यून, ये सारी चीज़ें जो कहते हैं परिणाम का शो करती हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है यहाँ पर वह विकल्प नंबर सी में है, रात को कम खाना खाना चाहिए, यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देखते हैं। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतीय संघ की जो राज्य भाषा है वह देवनागरी लिपि में हिंदी है। हिंदी है जो 14 सितंबर 1949 को जिसको आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ द्वारा अपनाया गया था, और दूसरी भाषा आपकी उर्दू है जिसे 1989 में अपनाया गया था। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, इसीलिए क्योंकि यह भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो भैया बिल्कुल सरल है, आसानी से चारों प्रश्न को पढ़िएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और अपने आंसर कमेंट कर दीजिएगा, आपके जवाब भी सही हो जाएंगे। चलिए जी हाँ, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का। चार विकल्प यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सही जवाब आपको कमेंट करना है, सही जवाब कमेंट करना है। बहुत बढ़िया, आज घोड़ा दौड़ ये गलत है भैया, मेरे लिए गणित कठोर नहीं कठिन विषय है, यह भी गलत है, बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, यह भी गलत है। यहाँ पर जो सही वाक्य फ्रेंड वह है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, करने की व्यवस्था है, यह बिल्कुल सही जवाब है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, डी फॉर डेनिस लिली इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, तो निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा फ्रेंड, जल्दी से चयन करके बताइएगा, क्या आज है, क्या लड़का है, क्या इधर है, क्या परंतु है। तो विकारी शब्द की बात कर रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा कौन सा विकारी शब्द है। अविकारी शब्द तो अव्यय होता है, विकारी शब्द की बात कर रहे हैं तो विकारी शब्द होता है संज्ञा होता है। तो देखिए आज, इधर और परंतु, ये सारे आपके अविकारी शब्द हैं। तो यहाँ पर जो विकारी शब्द है फ्रेंड वो है लड़का, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर, बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन की तरफ आज के अपने प्रैक्टिस सेट पर, कि नीचे गए शब्द युग में सही भेद का हमको जो है चुनाव करना है। हमारा शब्द है अभिराम, अभिराम, अभिराम। जी हाँ, हमारा शब्द युग्म है अभिराम और अभिराम, इसका सही अर्थ का आपको चुनाव करना है। क्या सार्थक और सामर्थ्य या उन्नति होगा, प्रातःकाल सायकाल होगा, लगातार या सुंदर होगा, या सुंदर या लगातार होगा। बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन है फ्रेंड, अभिराम, अभिराम। देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। जी हाँ, यह कामदेव का पर्यायवाची भी है अभिराम, तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। जल्दी से आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा,
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी के जवाब सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वह है विकल्प नंबर डी, क्योंकि अविराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है बिना विराम के लगातार। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होंगे, तो डी इज द राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। यहाँ पर ये क्लास समाप्त हो चुकी है, आप सभी लोग अपना अपना काम प्रारंभ कर दीजिएगा। वीडियो को जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जल्दी जल्दी अपने अपने स्कोर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।